गरीब को कोई हक नहीं है कि वो एसी गाड़ियों में चल सके, क्योंकि अब होने जा रही है गरीब रथ गाड़ी बिल्कुल बंद। गरीबों के एसी में चलने की सुविधा खत्म होने जा रही है। रेलवे धीरे धीरे करीबन गरीब रथ को बंद करने जा रही है, उसके स्थान पर सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड के आदेश पर उत्तर रेलवे मुख्यालय ने टाइम टेबल जारी किया है। इसमें जम्मू पूर्वी काठगोदाम कानपुर के बीच चलने वाली चार गरीब रथ 14 जुलाई से बंद कर दिए जाएंगे, उसके स्थान पर सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी। बाकी कोच बदल जाएंगे और यात्रियों को बढ़े हुए किराए के साथ ₹30 सुपर फास्ट चार्ज भी देना पड़ेगा। ट्रेन नंबर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रेलवे की योजना है कि अगले साल मार्च तक देश में चलने वाली 54 गरीब रथ बंद कर दिए जाएं और उसके स्थान पर सुपर फास्ट ट्रेन चलाई जाए। नई व्यवस्था के बाद एसी में गरीब का चलना सपना हो जाएगा। उदाहरण के लिए गरीब रथ में मुरादाबाद से सहसा एसी 3 टायर का किराया ₹915 है, जबकि सुपर फास्ट का किराया ₹1320 है। इसी तरह एसी चेयर कार का किराया ₹690 है, जबकि सुपर फास्ट ट्रेन का किराया ₹505 रहेगा। रेलवे ने गरीब रथ का कोच बनाना बंद कर दिया है, इसके स्थान पर आधुनिक कोच तैयार किए जा रहे हैं। इसमें बर्थ सीट की संख्या अधिक है और सामान्य ट्रेन से 15% अधिक किराया लिया जाएगा। उदाहरण के लिए महामाना एक्सप्रेस नए कोच को LHB कोच कहा जाता है। नए कोच में सामान्य ट्रेनों में कोच से अधिक सुविधा होती है। 14 साल पहले चलाई गई थी गरीब रथ, जो लालू प्रसाद यादव के द्वारा चलाई गई थी। 5 अक्टूबर 2006 को पहली गरीब रथ ट्रेन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने चलाई थी। ये ट्रेन अमृतसर दिल्ली मुरादाबाद होकर सरसा तक चलाई गई थी और लोगों ने इसका भरपूर आनंद लिया और सुकून के साथ अपने निश्चित जगह तक पहुंचे, लेकिन अब उनका आराम होने वाला है बिल्कुल खत्म। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।